दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने पूरे सवाब पर है। हर पार्टी के उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए और चुनाव जीतने के लिए कई फैक्टर काम करते हैं कि भाई कौन उम्मीदवार जीत सकता है, किसके चांसेस ज्यादा है। उसमें जहां आज की तारीख में आम आदमी के लिए राजनीति में आना या चुनाव लड़ना और उसका खर्चा वहन करना सपनों सरीखा हो गया है, तो चुनाव लड़ने के लिए पहली शर्त हो गई है कि उम्मीदवार कुबेरपति होना चाहिए, करोड़पति होना चाहिए, तभी उसकी संभावनाएं, यानी पहली शर्त है आज की तारीख में पैसा होना। उसके बैकग्राउंड क्या है, समाज में उसको किस नजर से देखा जाता है। बेशक उम्मीदवार में कई कमियां हों, लेकिन यदि उसके पास मोटा पैसा है, धन है, तो पार्टियां भी उसको आसानी से टिकट दे देती हैं और वो ऐसे जो मजबूत उम्मीदवार होते हैं वो पार्टियों के भी फंड में करोड़ों रुपया पार्टी फंड में देते हैं, जिससे कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। करोड़पति होना राजनीति की पहली शर्त हो गया है और करोड़पति को ही आमतौर पर कोई भी पार्टी टिकट देना पसंद करती है, क्योंकि आर्थिक रूप से मदद करने में ये पैसे वाले ही सक्षम होते हैं। एक उदाहरण मैं शुरुआत करने से पहले बता दूं कि पिछले चुनावों में करतार भड़ाना जो पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला सरकार में, एक बार तो वो बसपा से पैसे के दम पर चार टिकट ले आए थे, या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो चार टिकट खरीद लाए थे। और चूंकि वो टिकट खरीद कर लाए थे तो दोस्तों उन्होंने अपने ही परिवार के चार लोगों को अलग अलग विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़वाया था, जिनमें वो खुद भी लड़े थे, उनकी बहन भी लड़ी थी, यानी परिवार के लोग लड़े थे। वो बात अलग है कि उस समय उनमें से कोई जीत नहीं पाया। तो ये मैंने पहली शर्त बताई कि पैसा होना आज की प्राथमिकता बन गई है राजनीति में आने के लिए। लेकिन जिस तरीके के ईमानदार, पढ़े लिखे और संस्कारवान सोशल वर्कर लोगों की जरूरत है राजनीति में आने की, और वो इसी वजह से पीछे हट जाते हैं कि इतना धन वो कहां से लाएंगे। तो धन पहली हो गई है और जाति जाति है कि जाति जाति नहीं, टिकट किसको मिलेगा उसके लिए जातीय आधार बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिस जाति की संख्या किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में ज्यादा होती है, तो जातीय आधार पर ही उस समुदाय के व्यक्ति को या नेता को टिकट मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती। और हर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करके, यानी जातियों का समीकरण बिठाकर ही अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जीतकर आ सके और उनकी पार्टी सत्ता में आ सके। दोस्तों, कि जाति आधारित नीति है, चाहे कोई भी कहे जाति समाप्त हो गई है या जाति पर हमें बात नहीं करनी चाहिए या जाति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, तो ऐसा दोस्तों हकीकत में है नहीं। राजनीति में जाति प्रमुख
कारक बनती है चुनाव लड़ने का। तो इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को या लोगों को या हरियाणा की जनता को एक बार बताना चाहते हैं कि किस समुदाय को कितने टिकट मिले हैं और किस पार्टी ने कितने दिए। हालांकि इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन जब चुनाव पूरे सवाब पर है तो इस मुद्दे को हम नए सिरे से उठाकर बताना चाहते हैं कि कोई भी दल राजनीतिक से अछूता नहीं है और सब राजनीतिक आधार पर ही टिकटों का वितरण करते हैं। अब आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो किस पार्टी ने कितनी सोशल इंजीनियरिंग की है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो जहां तक 90 सीटों में से कांग्रेस ने जाट समुदाय के 26 उम्मीदवार बनाए, यानी 26 जाटों को टिकट दिया है 90 में से, तो वहीं भाजपा ने 16 जाटों पर दाव लगाया है। आपको बताते चलें कि हरियाणा में 22% प्लस माइनस जाटों की आबादी बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि चूंकि यदि हम पूरे भारतवर्ष की भी बात करें या हरियाणा की भी बात करें, तो ओबीसी पिछड़ी जातियां की संख्या हरियाणा में भी पूरे देश में भी सबसे ज्यादा है, और उस नाते कांग्रेस और भाजपा ने मुख्य रूप से ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश की है। चूंकि भाजपा ओबीसी की पैरोकार बनती है और वो कहती है कि हम सबसे ज्यादा ओबीसी को टिकट देते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो चाहे उनकी नीति है या मजबूरी है कि जिससे कि उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आ सके, तो कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के 20 लोगों को टिकट दिया है, तो भाजपा ने 24 को दिया है। और हरियाणा में 30-32% आबादी ओबीसी समुदाय की बताई जाती है, और ये तो आप जानते हैं कि दलितों की तो 90 में से 17 सीट आरक्षित है, उनकी भी आबादी दलितों की 20% प्लस बताई जाती है, लेकिन उनको क्योंकि 17 आरक्षित हैं तो 17 ही दी जाती हैं, जो गैर आरक्षित सीट पे लगभग उनको सीट नहीं दी जाती, टिकट नहीं दिया जाता, तो 17 तो दलितों के लिए आरक्षित हैं, तो उनको तो देना हर एक पार्टी की मजबूरी है, तो वो भाजपा ने भी 17 दी हैं, कांग्रेस ने भी 17 दी हैं, और उस लिहाज से जो दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो इनेलो है, चाहे जेजेपी है या आजाद समाज पार्टी है, तो उन पार्टियों ने भी उस जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही अपने टिकट बांटे हैं। हालांकि इनेलो का जो बेस है वो जाट समुदाय मुख्य रूप से। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में ब्राह्मणों की संख्या 8-9% बताई जाती है, लेकिन कांग्रेस ने जहां 6 ब्राह्मणों को टिकट दी है, वहीं भाजपा ने 11 ब्राह्मणों को टिकट दी है। पंजाबी समुदाय को कांग्रेस ने जहां 8 अपने कैंडिडेट बनाए हैं, भाजपा ने 10 बनाए हैं। पंजाबी समुदाय की आबादी जो समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया पर बताई गई है वो 9-10% है, जबकि पंजाबी समुदाय 30-35% आबादी का दावा करता रहा है, लेकिन वो सच्चा नहीं लगता। कांग्रेस ने वैश्य समाज के यानी बनिया समुदाय के 2 लोगों को टिकट दी है, तो भाजपा ने 10 लोगों को टिकट दी है, 6 लोगों को टिकट दी है,
और इनकी आबादी 5-7% हरियाणा में बताई जाती है। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने 5 सीटें दी है। हरियाणा में 4-5% मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन इस बार कमाल तो ये हुआ है कि जो 80% लोगों की राजनीति करने वाली भाजपा थी, वो 8वां आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हरियाणा में इस बार अपने 2 मुस्लिम कैंडिडेट भी बनाए हैं मेवात से। ये उसकी राजनीतिक बदलाव की स्थिति है, या वो समझ रही है कि भाई जो हिंदू मुस्लिम के नारे से जो उन्हें फायदा होना था हो गया, अब हमें जो है सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। उसी नीति के तहत शायद मुस्लिम समुदाय को इस बार चौंकाने वाले समाचार के तहत 2 मुस्लिमों को टिकट भाजपा ने दी है। राजपूत समुदाय के कांग्रेस ने एक आदमी को टिकट दी है, एक कैंडिडेट बनाया है, तो भाजपा ने 3 राजपूतों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनकी आबादी प्रदेश में 4% के आसपास बताई जाती है। और आप वैसे भी आप सोचेंगे कि भाई आप जानते हैं कि भाजपा मुख्य रूप से ब्राह्मण, बनिया और राजपूत ठाकुर, इन तीनों की अपर कास्ट की पार्टी बताई जाती है। इसीलिए भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा इन समुदाय को वोट, मतलब अपने उम्मीदवार बनाया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कांग्रेस ने 6 बनाए हैं तो भाजपा ने 11 बनाए हैं। कांग्रेस ने पंजाबी 8 बनाए हैं तो भाजपा ने 10 बनाए हैं। कांग्रेस ने वैश्य 2 बनाए हैं तो भाजपा ने 6 बनाए हैं। तो इस सब का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो लब्बो लुबाब जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि भाजपा का फोकस ब्राह्मण, वनिया और राजपूत पर ज्यादा रहता है, और उसके बाद ओबीसी यानी पिछड़े समुदाय पर रहता है। उसी लिहाज से उनका टिकट वितरण हुआ है, जबकि कांग्रेस का सभी जातियों में होता है, लेकिन कांग्रेस का दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, पिछड़े यानी वो सब में करती रही है। क्षेत्र के हिसाब से कहीं किसी जाति की आबादी ज्यादा है, जैसे कि हरियाणा में ज्यादा है तो जाटों को ज्यादा दे दिया, जाट डोमिनेट करते हैं हरियाणा की राजनीति में, तो उस लिहाज से कांग्रेस ने 26 टिकट दिए हैं और भाजपा ने 16 दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जाति है, जाति के बिना राजनीति के बारे में सोचा जा सकता। सोशल इंजीनियरिंग जो पार्टी करके चलेगी, जातीय समीकरण को सामने रख के जो टिकट देगी, उसी की संभावनाएं ज्यादा बनती है। और इसके अलावा अब यूथ की बात की जा रही है, भाजपा यूथ को आगे लाने की बात करती है, महिलाओं को आगे लाने की बात करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा आंकड़ों में तो नजर नहीं आता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा ने कांग्रेस ने भाजपा ने सिर्फ 10 महिलाओं को टिकट दिया है, उसके मुकाबले में कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया है। यानी बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ का नारा दे भाजपा रही है, लेकिन अमल में कांग्रेस ला रही है। उसी तरीके से युवाओं को भी इस बार कांग्रेस ने ज्यादा मौके दिए हैं। कांग्रेस ने 17 सीटों पर 40 से कम उम्र के अपने उम्मीदवार बनाए हैं। यानी कांग्रेस ने यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसने यूथ को ज्यादा टिकटें दी हैं, जबकि भाजपा ने जो यूथ की बात करती है, उनके रोजगार की बात करती है,
उनको आगे बढ़ाने का, रोजगार देने का वादा करती थी, सिर्फ 9 सीटों पर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कई जगह कथनी और कथनी में अंतर नजर आता है भाजपा के, जबकि इस मामले में कांग्रेस आगे रही है। और एक बात और बता दे कि परिवारवाद में भी दोनों पार्टियां कम नहीं है, लेकिन फिर भी परिवारवाद में थोड़ी कांग्रेस भाजपा से आगे दिखाई देती है। कांग्रेस ने राजनीतिक परिवारों के लोगों को 22 टिकट दिए हैं, तो भाजपा ने भी 11 टिकट दिए हैं। तो आप इनकी कथनी और करनी में अंतर आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपने मन मुताबिक जिसमें उसे फायदा दिखता है और लगता है कि भाई इस वर्ग को ज्यादा टिकट देने से ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं, उस लिहाज से वो अपना टिकट देने का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन कोई पार्टी का कुछ कम कुछ ज्यादा, परिवारवाद तो एक स्थायी भाव है, कोई भी पार्टी परिवारवाद से पीछे नहीं है। 11 राजनीतिक परिवार वालों को टिकट भाजपा ने इस बार दी है, तो और भी सैकड़ों, यदि हम देश की बात करें तो सैकड़ों पारिवारिक राजनीतिक परिवार के लोगों को भाजपा ने लोकसभा में भी और विधानसभाओं में टिकट देने का काम किया है और करती रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, महिला और यूथ, किसको कितने किसने कितना भाव दिया है, कौन इस पे ज्यादा खरा उतरा है, इनकी कथनी करनी में क्या अंतर रहा है, और इन्हीं चीजों पर हम एक बार फिर जब रिजल्ट निकलेंगे तो आपके सामने फिर एक हम स्टोरी लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे कि जिस हिसाब से जिस पार्टी ने जातीय समीकरण बिठाए थे या वर्गों के हिसाब से यूथ को, महिलाओं को टिकट दिए थे, किसको उसमें कितनी सफलता मिली, उसका क्या नतीजा मिला, जिससे कि भविष्य के लिए इन दलों की राजनीति के लिए एक और रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, हरियाणा की 90 सीटों पर कौन सी पार्टी ने किस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की है, किस जाति को कितने टिकट दिए हैं, क्यों दिए हैं, और उसकी उसकी नीति के तहत कौन सी जाति किस पार्टी की खाके में फिट बैठती है, उस लिहाज से टिकट बांटे गए हैं और इनका नतीजा क्या निकलता है वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग जो पार्टियों ने की है उसमें कौन फायदे में रहा है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए किसी मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।